द कहानी बाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बनारस टॉकीज और इस कहानी को लिखा है सत्य व्यास जी ने। आज बनारस टॉकीज का 5वां एपिसोड होने जा रहा है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। हॉस्टल आकर भी मैं पिज्जेरिया में ही था। कमरे में मन नहीं लगा तो डिस्कमैन लेकर हॉस्टल की छत पर बैठ गया, जहां सामने गुड्डू हॉस्टल वालों से गाली सुनने का खतरा तो था, मगर मैं अकेला होना चाहता था। जो सवाल मुझे परेशान कर रहे थे उनके जवाब ढूंढने के लिए। क्या शिखा भी ऐसा ही महसूस कर रही होगी? क्या वो भी अपने हॉस्टल की छत पर टहल रही होगी? उसके हॉस्टल की छत पर तो गाली गलौज का डर नहीं होगा, हमारे यहां ही ये सब प्रपंच है। छत पर चढ़ो नहीं कि देखते ही दूसरे हॉस्टल वाले गाली देने लगेंगे। मगर कान में ईयरफोन लगा लूंगा तो किसी की आवाज भी नहीं आएगी, यही सब सोचते हुए मैंने ईयरफोन कान में लगा लिया। छत पर अकेले बैठकर मुजरा सुन रहे हो काबे? जयवर्धन ने हॉस्टल की छत पर आते ही कहा। आओ ना बैठो, मैंने जयवर्धन को आते देखकर कहा। हालांकि मैं सुन नहीं पाया उसने क्या कहा। सुन क्या रहे हो अकेले में बैठ के? जयवर्धन ने डिस्कमैन की ईयरफोन मेरे कान से निकालते हुए कहा। मुन्नी बेगम, मैंने कहा। मतलब मुजरा? जयवर्धन ने ईयरफोन कान में लगाया और फिर निकाल दिया। मुन्नी बेगम मुजरा नहीं, गजल गाती है, मैंने जयवर्धन को झिड़कते हुए कहा। एक ही बात है गुरु, तुमको मजा आता है ना, तो बस मजा आना चाहिए, वो जरूरी है। जयवर्धन की अपनी फिलॉसफी थी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मैंने डिस्कमैन ऑफ करते हुए कहा। तो चलो फिर लंकेटिंग कराते हैं, नहीं तो नीचे चलो, अंधेरा होने वाला है, अभी गुड्डू हॉस्टल वाला भाई लोग गरियाना शुरू कर देगा, जयवर्धन ने उठते हुए कहा। बैठो ना भाई, आज कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है यार, मैंने जयवर्धन का हाथ खींचते हुए कहा। क्या हो गया गुरु तुमको? जयवर्धन ने मेरा बुखार देखते हुए पूछा। लगता है मुझे प्यार हो जाने हैं दोस्त, मैंने मुरली सर वाली हिंदी में कहा। हम ऐसे आदमी नहीं होने हैं, दोस्ती यारी तक ठीक है लेकिन प्यार नहीं कर सकते हैं, आपको अपने विचार बदलने होंगे। जयवर्धन ने भी मुरली सर वाली हिंदी में मजाक किया। मजाक मत करो यार, मैंने जयवर्धन को डांटा। हमको लगा तुम मजाक कर रहे हो बाबा, कहीं शिखा तो नहीं है? जयवर्धन ने कहा। हाँ, मैंने कहा। अबे हम तो पूछना ही भूल गए, क्या बात हुआ था उस दिन? जयवर्धन अब आराम से बैठ गया था। आपको देखकर देखता ही रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया, मैंने आसमान देखते हुए शायराना अंदाज में कहा। दुर्साला, बबुआ गए मुगल देश में, बोले मुगली बानी, आब आब कर बबुआ मर गए, खाट तले था पानी, जयवर्धन ने जवाब में कहा। इसका क्या मतलब है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हम तुमसे शायरी का मतलब पूछे क्या? साले प्यार से पूछे कि क्या बात हुआ तो शायरी पेल रहे हो, जयवर्धन ने कहा। बात कहाँ याद है, बस आंख याद है और सब भूल गए। मतलब कुछ तो याद होगा। हाँ, प्रपोज कर दिए, मैंने कहा। जिया राजा बनारस, और सामने वाली पार्टी का क्या जवाब? तुमको क्या लगता है हम रोज छत पर बैठ के मुन्नी बेगम सुनते हैं? अबे यही तो प्रॉब्लम है कि कोई जवाब नहीं आया, मैंने दुखी होकर कहा। मतलब काजी बेकरार है और दुल्हा फरार है,
जबर्धन ने फिर कोई मुहावरा ठोंक दिया। हाँ ऐसा ही कुछ, मैंने कहा। तो मिलते रहो, टाइम दो, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। 3-4 बार मिल चुके हैं, अभी तो मिलके ही आ रहे हैं, मैंने कहा। ओ, टेलीकास्ट पहले से चल रहा है, मतलब रोशन इसी बारे में बोल रहा था, जबर्धन ने कहा। क्या बोल रहा था, मैंने पूछा। यही कि सूरज सीरियस है क्या, जबर्धन ने कहा। तो तुम क्या बोले, मैंने कहा। बोले कि बहुत सीरियस है, बिल रूबिन 13.50 है, अब की बार बचने का चांस कम है, निकल लेगा और आप भी निकल जाइए, जबर्धन ने हंसते हुए कहा। शाम गहराने लगी थी, बिजली भी चली गई थी, अब नीचे चलने में ही भलाई थी, गाली गलौज का प्रसारण किसी भी समय शुरू हो सकता था। बिजली जाने के बाद अक्सर आमने सामने के हॉस्टल में यह रस्म दशकों से निभाई जा रही थी। लड़कों के पास दूसरा काम ना होने के कारण मन बहलाव का यह तरीका यहां सामान्य था। हम अब नीचे उतरने ही वाले थे कि एक आवाज आ ही गई। भगवान दास के बुड्ढो, कब तक पढ़ोगे? यह आवाज गुड्डू हॉस्टल के तरफ से आई थी। गालियों का दौर शुरू होने वाला था। बाप से होशियारी करते हो बेटा, मम्मी ने यही सिखाया क्या, जबर्धन ने चिल्लाकर जवाब दिया। हां पापा, मम्मी पूछ रही हैं कि कब तक पढ़ेंगे, अब कुछ काम धंधा भी कीजिए, आवाज फिर गुड्डू से आई। बेटा अमित, काम धंधा का ही नतीजा है कि तुम आ गए, चलो अब कह रहे तो आते हैं, फिर से डोज देंगे तुम्हारी मम्मी को, जबर्धन ने कहा और हम दोनों नीचे उतरने लगे। ये अमित कौन है भाई, जानते हो क्या, मैंने नीचे उतरते वक्त पूछा। कौन जाने, इतना कॉमन नेम है, किसी ना किसी का तो होगा, भीड़ में पत्थर चलाकर मार दो, किसी ना किसी अमित या संतोष या राहुल को लग ही जाएगा, अभी देखना सब चुप हो जाएगा, जबर्धन ने कहा। तेरा टोटका तो काम कर गया बे, सचमुच सब चुप हो गए। लेकिन यार ये रोशन का क्या प्रॉब्लम है, मैंने खुद से ही सवाल किया। प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के बहाने ही सही, लेकिन अब मेरी बात शिखा से होने लगी थी। अब कम से कम असाइनमेंट्स के लिए हमें किसी की हुजूरी नहीं करनी थी। शिखा जो प्रोजेक्ट सेक्शन बी में जमा करती, वही प्रोजेक्ट हम तीनों सेक्शन ए के लिए जमा कर देते। इस तरह शिखा का आना हम तीनों के लिए मन मांगी मुराद के पूरा होने जैसा था। अक्सर कैंटीन में मैं अपने दोस्तों को छोड़कर शिखा के पास जा बैठता और मेरे दोनों दोस्त भी इसका बुरा नहीं मानते। आखिर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स का सवाल जो था, हाँ एक बात जरूरी थी कि शिखा मॉडर्न पेन कंपनी वाले झगड़े के बाद दादा से बात नहीं करती थी और इसी कारण उसने जबर्धन से भी कभी कोई बात नहीं की, लेकिन कभी मुझे उनसे दोस्ती के लिए मना भी नहीं किया। वो अक्सर मॉडर्न पेन कंपनी वाली बात से नाराज हो जाती, इसीलिए मैं भी उस बात को छेड़ता नहीं था। आज कंबाइंड क्लास थी और बदकिस्मती से आज क्लास में हम तीनों में से कोई भी नहीं था। हम तीनों क्लास के बाहर खड़े थे, क्लास खत्म हो गया है, श्रीवास्तव सर अटेंडेंस लेने वाले हैं, जैसे ही रोल नंबर 10 पर पहुंचेंगे चुपचाप पैर दबाकर घुसना है, मैंने क्लासरूम के बाहर से दरवाजे के कोने में झांकते हुए कहा। सुनना, केवल तुम घुस जाओ और तीनों का प्रॉक्सी मार देना, दादा ने आइडिया दिया। हाँ भोसड़ी के, पिछली क्लास में अपना नाम अनुराग बताए थे, उनको शक हो गया है, मैंने कहा। देखो अटेंडेंस शुरू हो गया है, कंबाइंड क्लास है, शिखा भी है राजा, बहुत स्टूडेंट्स हैं, शक नहीं होगा, जल्दी घुसो, यह कहते हुए दादा ने मुझे भीतर धकेल दिया। मैंने जैसे तैसे सबसे पिछले बेंच पर बैठते हुए अटेंडेंस पर ध्यान देना शुरू किया। रोल नंबर 27, यस सर, मैंने कहा। रोल नंबर 29, प्रेजेंट सर, मैंने थोड़ी हड़बड़ाहट में कहा। आपका नाम?
श्रीवास्तव सर ने सिर उठाते हुए कहा। जयवर्धन शर्मा, मैंने कहा। फादर्स नेम? श्रीवास्तव सर को शक हो गया था। जी, मैंने कहा। फादर्स नेम तो जानते हो गए, या सोचा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी? सर ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरा क्लास हंस दिया और मैं बस खड़ा था। व्हाट इज योर नेम? सर ने पूछा। सूरज, मैंने सिर झुकाए हुए जवाब दिया। कल तो आपने अनुराग बताया था। क्लास के बाद आप, जयवर्धन और अनुराग मुझसे मेरे चैम्बर में आकर मिले, सर ने कहा। ओके सर, पर आज तो प्रेजेंट कर दीजिए, मैंने रिक्वेस्ट की। रोल नंबर 30, श्रीवास्तव सर जवाब दिए बिना आगे बढ़ गए। क्लास खत्म हो गई थी, बेइज्जती भी कुछ ज्यादा ही हो गई थी, वो भी कंबाइंड क्लास में। पूरी क्लास जब बाहर निकल गई तब भी शिखा अपनी जगह बैठी रही। मुझे एहसास हो गया था कि मामला अब सफाई देने का नहीं रह गया, इसीलिए धीरे से मैं उसकी तरफ बढ़ा। मेरे आने की आहट सुनकर वो अपनी सीट से उठने लगी। सुनो, आई एम सॉरी, मैंने सीधे हथियार डालते हुए कहा। तुम्हें क्लास नहीं करनी तो मत करो, मगर पूरी क्लास की अटेंडेंस का कॉन्ट्रैक्ट तुम क्यों लेते हो? शिखा ने बिफरते हुए कहा। अरे, वो लोग भी तो मेरा अटेंडेंस बना देते हैं। That's great. मतलब एहसान चुकाया जा रहा है, बढ़िया है। एक एहसान हम पर भी कर दो, कम से कम कंबाइंड क्लास में प्रॉक्सी मत करो। शिखा आज भड़की हुई थी। आई एम सॉरी, जस्ट लीव इट ना, चाय पियोगी? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। थैंक्स, बट प्लीज लीव मी अलोन, उसने कहा और अकेली कैंटीन की ओर चली गई। मैं क्लास में अकेला रह गया। अभी मैं कुछ सोच पाता तब तक पिछले दरवाजे से दादा और जयवर्धन दाखिल हो गए। साले प्रॉक्सी बनाने भी नहीं आता है, फंसा दिए ना, दादा ने कहा। दिमाग का बलात्कार मत करो, अभी वैसे ही मूड खराब है, मैंने दादा से कहा। साले पिछले 3 क्लास में हम तेरा प्रॉक्सी मारे तब तो कुछ नहीं हुआ। जिगर होना चाहिए, जयवर्धन ने आते ही कहा। तो तुम ही लोग के काम से गए थे, पूरा दिन दुबे के साथ निकल गया। शुक्र मनाओ दुबे का, एक डॉक्टर को जानता है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दिया, अब एग्जाम दे पाओगे, मैंने एक सांस में कहा। भोलेनाथ, तुम तो राजा हिंदुस्तानी हो दोस्त, दादा जोर से चिल्लाया। विश्वनाथ मंदिर चलो, इसी बात पे शेक पिलाते हैं, जबर्धन ने कहा। नहीं, तुम लोग जाओ, हम जरा लंका जाएंगे, उसका मूड खराब हो गया है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मैंने शिखा की बात करते हुए कहा। हाँ हाँ, जाओ बाबा, मूड ठीक करो, नहीं तो अभी 5 प्रोजेक्ट बाकी है, बाकी का 5 तो उसी के छापे हैं। तुम जाओ बाबा, और हमारी भी थैंक्स कह देना, और श्रीवास्तव सर की चिंता मत करना, वो भी लाला हम भी लाला, गोटी सेट कर देंगे, दादा ने हंसते हुए कहा और जयवर्धन के साथ बाइक पर बैठकर निकल गया। शाम 7 बजे उसी दिन। क्या हो बाबा, शर्ट वर्ट कैसे फट गया? अरे, ये चोट कैसे लगी? कहीं एक्सीडेंट हुआ क्या? दादा ने दरवाजा खोलते ही कहा। नहीं बे, एक्सीडेंट नहीं, झगड़ा हो गया। मैंने पानी की बोतल मुंह से लगाई। मतलब कोई मारा? होसड़ी के किसका इतना हिम्मत हुआ बे? जयवर्धन, जयवर्धन, दादा ने आवाज लगाई। पता नहीं, पहचानते नहीं थे, शिखा से मिल के आ रहे थे, उसकी फ्रेंड मिल गई तो वो पहले ही निकल गई, हम बस आ ही रहे थे तभी 3-4 लड़के आ गए, मैंने कहा। चलो तभी चल के देखें किसकी माँ का दूध उफान मार रहा है। जयवर्धनवा कहाँ मर गया साला? दादा गुस्से में था। अब जाके क्या करेगा, कोई मिलेगा क्या वहां? बैठो, हम ठीक हैं, और जयवर्धन को मत बुलाओ, अंदाज पर ही जाकर किसी को टोकन पकड़ा देगा, मैंने कहा। लेकिन तुम्हारा तो किसी से झगड़ा भी नहीं है। तुमसे किसी को क्या प्रॉब्लम है, दादा ने कहा। किसी को तो है, मैंने कहा। मतलब दादा उठकर बैठ गया।
मतलब धमकी दे रहे थे कि शिखा से दूर रहो, और ये कि वो शरीफ घर की लड़की है। मैंने कहा, तो तुम कौन सा डॉन का इकलौता है बे? दादा ने कहा। एक बात और है, मैंने कहा। क्या? दादा ने पूछा। उनमें से एक ने मेरा बटवा छीन लिया था, मगर पैसा नहीं निकला, बस आईडी कार्ड छीन लिया। मैंने कहा, और क्या करेगा, तेरा बटवा में पैसा था कहाँ? आज ही चेक किए थे, तेरा बटवा चवन्नी नहीं था। दादा ने कहा, था, आज लंका जाते वक्त अंकल मिले थे। मैंने कहा, कौन से अंकल? तेरा कौन अंकल पैदा हो गया बनारस में? दादा ने कहा, तेरे पापा मिस्टर डे 2000 रुपया दिए और बोले कि अनुराग को दे देना, मैं इसका पैसा भर देगा। तो दो पैसा? दादा ने हाथ आगे बढ़ाया। हम कहे ना कि था, अभी खर्चा हो गया, लंका कैफे गए थे ना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बबना भोसड़ी के साला बुजरो वाला, मेरा मेस का पैसा खा गया, ठीक थोड़ा है सब तुमको, बढ़िया किया है, दादा ने गुस्साते हुए कहा। लो कुछ पैसा बच गया है, इसको रख लो, टिप नहीं दिए थे तो बच गया है, मैंने हंसी दबाते हुए कहा। करोगे मुंह पिलाई, दादा को भी हंसी आ गई थी। तभी उसका फोन भी बजने लगा। देखो फोन बज रहा है, किसका फोन है देखो तो? मैंने दादा से कहा। हम नहीं जानते किसका है, तुम खुद देख लो, दादा ने गुस्से से कहा। अरे शिखा का कॉल है। हेलो, मैंने फोन उठाते ही कहा। तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? शिखा ने सीधे ही पूछा। किसने कहा? सवाल का जवाब, सवाल नहीं होता। नहीं यार, बस मामूली सी बहस थी। चोट तो नहीं लगी? नहीं, बस आईडी कार्ड गुम हो गया। तो जाके पुलिस में कम्प्लेन करो ना। एक आईडी कार्ड के लिए पुलिस कम्प्लेन, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तुम लॉ पढ़ रहे हो ना, इतनी अकल तो होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, कल सवेरे कर देंगे, और बताओ। गुड नाइट, उसने कहा और फोन काट दिया। फोन काट दिया, इतना लेक्चर दे दी और बात करने का टाइम आया तो गुड नाइट? मैंने उदास होकर कहा। क्या लेक्चर ले रहे थे? दादा ने पूछा। यही कि आईडी कार्ड के लिए पुलिस में डायरी करा दो, मैंने कहा। तो कल जाओगे था ना? दादा ने पूछा। भग साला, और भी गम है जमाने में आईडी कार्ड के सिवा, मैंने कहा और चादर तान के सो गया। लैपटॉप 21वीं सदी के पहले दशक की सबसे जरूरी और सबसे बुरी चीज। जरूरी इसलिए कि बदलते वक्त के उदार पिता इसे टाइपराइटर के विकल्प के रूप में देखते थे। उनकी सोच यह थी कि आजकल नौकरी के लिए कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है, जैसे पहले बीए वैसे अब एमबीए की तर्ज पर ही, जैसे पहले टाइपराइटर वैसे अब कंप्यूटर। इसीलिए हम जैसे बेटों की यह महंगी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाती थी, और बुरी इसलिए कि बेटा इस पर पहली चीज विंडो मीडिया प्लेयर चलाना ही सीखता है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तो समय के साथ आ ही जाते हैं। मेरे साथ पूरी तरह से यह बात सही नहीं थी। जब आईटी की बयार थी तब मैं भी इससे अछूता नहीं था और सारे दोस्तों की तरह एमसीए ही करना चाहता था, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि एमसीए नहीं, उसकी आरजू भी नहीं, मैं लॉ कर रहा था। हाँ, इतना जरूर था कि अपने दोस्तों से कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा जानता था। सेकेंड सेमेस्टर से ठीक पहले जॉन्डिस की वजह से मुझे घर जाना पड़ा और केवल 5 पेपर ही दे पाया था, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इन छुट्टियों में मुझे घर से लैपटॉप मिला था। पापा ने देते वक्त बहुत सी हिदायतें दी थी, और यह भी कि इस पर टाइपिंग प्रैक्टिस भी करता रहूं। मुझे पंख मिल गए थे और मैंने लगभग पूरा थर्ड सेमेस्टर फिल्में देखते निकाल दिया, और अब थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम सिर पर थे। साले पढ़ाई लिखाई तो हो गया तेरा 22, जब से लैपटॉप लाए हो ना तब से तो खाली फिल्म देख रहे हो, एग्जाम सिर पर है, बाकी पेपर तो निकल जाएगा, बस सीआरपीसी फंसेगा। जबरदस्त परेशान था, और ऊपर से इस साला मेरा भी झंड किए हुए है, खाली फिल्म देखता है और हमको भी दिखाता है। दादा ने जबरदस्त का साथ देते हुए कहा। फिल्म देख रहे हो ना राजा, यही लिखना सीआरपीसी में, वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में खाली 5 पेपर में पास किए हो, जबरदस्त ने मुझसे कहा।
पांच पेपर में पास नहीं किए हैं, पांच ही पेपर दिए थे जॉन्डिस के कारण, मैंने कहा। अरे ये तो बोल रहा है, बोलो मत राजा बनारस, फिल्म देखो, सीन निकल जाएगा। देखो दिलीप ताहिल पिटा रहे हैं, बायोस्कोप मिल गया है तो जोते हुए हैं दिन रात। बाप की घी बाप की लकड़ी स्वाहा, जयवर्धन ने तमतमाते हुए कहा। तुम समझ नहीं रहे हो बाबा, इट्स नॉट अ सब्सटेंटिव लॉ कि कुछ भी लिख के निकल जाएंगे। एक तो वैसे भी क्लास नहीं किए, ऊपर से टफ भी है, दादा ने समझाने की कोशिश की। अब इसको छोड़ो, इसका कॉपी तो दिलीप ताहिल लिखेगा और ब्रूसली चेक करेगा, हम लोग का कॉपी तो मुरली चेक करेंगे ना, तो चलो कुछ रिवाइज विवाइज कर लिया जाए, नहीं तो इसके साथ साथ हम लोग भी फेल हो जाएंगे, जयवर्धन ने दादा से कहा। कोई फेल नहीं होगा, मैंने कहा। काहे बे, पेपर ब्रूसली सर बना रहे हैं क्या, जयवर्धन ने ताना मारा। नहीं मुरली सर, मेरा जवाब सपाट था। लो एकदम ब्रेकिंग न्यूज दिया है भाई, ये न्यूज भी यही काली भैंस दी है क्या, जयवर्धन लैपटॉप को भैंस कहता था। यही तो मुश्किल है कि पेपर मुरली सर बनाएंगे, बेटा जो पढ़ाए है ना वही पूछेंगे, और पता नहीं है कि पढ़ाए क्या है, क्लास के कितना हो, साला अटेंडेंस का भी चक्कर है, पता नहीं 75% होगा भी कि नहीं, कहते कहते दादा की सांस फूलने लगी। एग्जाम से पहले पेपर हमारे पास होगा, मैंने बड़े विश्वास से कहा। भाई बबुआ पागल हो गया है, जासूसी फिल्म देख देख के टाइम मत खराब करो, हम कहते हैं चलो रिवाइज किया जाए, जबरदस्त अब धैर्य खो रहा था। सुन तो लो क्या कह रहा है बाबा, और तुम बार बार रिवाइज रिवाइज क्या कर रहे हो बे, रिवाइज तब करते हैं जब कुछ पढ़ा हो, कुछ पढ़े भी हो कि रिवाइज करोगे। हाँ तुम बोलो, पेपर कैसे आएगा, दादा ने मुझसे पूछा। तुम लोग मुरली सर का असाइनमेंट्स देखे हो कभी, मैंने दोनों से पूछा। हाँ तो उसमें क्या खास है, दादा ने बोला। सारा असाइनमेंट्स एक खास फॉन्ट ताहोमा में टाइप होता है, मैंने कहा। तो दादा आगे की बात जानना चाह रहा था। ताहोमा में जो चीज चार पेज में टाइप होती है वो टाइम्स न्यू रोमन में कम पेज में हो जाता है। ताहोमा में अक्सर वो लोग टाइप करते हैं जिनको फॉन्ट बदलना भी नहीं आता, मतलब नए लोग जिन्होंने अभी अभी कंप्यूटर या लैपटॉप लिया है, ऐसे लोग जो 40 पार के हैं, या ऐसे लोग जिन्हें कंप्यूटर टाइपिंग बस उतनी ही मालूम है, या जितने से काम चल जाए, मैंने बात खत्म की। मतलब अच्छा तो मतलब निकला कि मुरली सर कंप्यूटर टाइपिंग में नए हैं, दादा ने सिगरेट सुलगा ली। लेकिन इससे क्वेश्चन पेपर का क्या संबंध है, अब तक चुपचाप सुन रहे जयवर्धन ने अचानक कहा। संबंध है, गहरा संबंध है। मुरली सर को 15 अगस्त की स्पीच हिंदी में देनी है, वो हिंदी के स्पीच दूसरे से ही लिखवाएंगे। बस इतना करो कि मुरली सर तक यह बात पहुंचा दो कि सूरज यानी मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, और वो जो तेलुगु लड़का है ना, अरे अपना जूनियर रविशंकर, उसको मेरे पास भेज दो, मैंने कहा। सलाब बाबा पता नहीं क्या पका रहा है, जयवर्धन बुदबुदाते हुए निकल गया। वह जानता था कि मुरली सर को 15 अगस्त का भाषण हिंदी में पढ़ना है। मुरली सर अगर किसी से इस बारे में बात करेंगे तो वो लड़का है कमलेश, कमलेश जिसने दोनों सेमेस्टर में टॉप किया है, इसीलिए वह सीधे लाइब्रेरी गया और कमलेश के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठ गया। बैठते ही उसने साथ बैठे लड़के से बात करनी शुरू कर दी। बीएचयू में एक से एक धुरंधर आता है सब चुनके, जबरदन बोला। सामने वाले को उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर जबरदन उसकी रैगिंग ले चुका था इसलिए सुनना उसकी मजबूरी थी। जबरदन बोलता रहा। अभी पिछले साल की बात है, सूरज को गवर्नर से अवार्ड मिला है, बोलता नहीं है लेकिन पता चला कि झारखंड गवर्नर का पहला हिंदी स्पीच वही लिखा था, और तो और दोस्तोवस्की के व्हाइट नाइट्स का हिंदी अनुवाद भी किया है, हम खुद पढ़े हैं। जयवर्धन बोलता ही जा रहा था बिना यह समझे कि सामने वाला ना दस्तोवस्की को जानता था ना ही गवर्नर को। लेकिन जयवर्धन यह जानता था कि कमलेश इन्हें बखूबी जानता है। कुछ देर और सुनने के बाद कमलेश उठकर लाइब्रेरी से बाहर चला गया। कमलेश ने उसकी बात सुनी या नहीं सुनी जयवर्धन यह तो नहीं जान पाया, लेकिन अब उसका भी मन लाइब्रेरी में नहीं लग रहा था। तभी साथ बैठे लड़के ने पूछ दिया, भैया ये सूरज कौन है। चुप,
लाइब्रेरी में बैठ के कहानी सुनने आया है क्या? कौन जिला घर है जी? पूछी ना अच्छी हम धुला के चाची, पढ़ाई करो बाबू, पढ़ाई करो, यही काम देगा, कहानी सुनने के लिए पूरा जिंदगी बाकी है। कहते हुए जबरदन भी लड़के को मुहावरे का मतलब समझाता छोड़ लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। इधर रविशंकर मेरे पास आ गया था। दादा के लिए जूनियर से काम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि एक ही सीनियर था जो जूनियर्स को भी सिगरेट पिलाता था, बाकी तो बस पी लेते थे। रविशंकर ने आते ही पूछा, सर कुछ काम था क्या? नहीं कुछ खास नहीं रवि, बैठो तो सही, मैंने कहा। और पढ़ाई कैसी चल रही है गुरु? मैंने बात शुरू की। ठीक है सर, बस फैमिली लॉ में दिक्कत आती है, उसने कहा। हाँ फारसी का बहुत इस्तेमाल हुआ है ना फैमिली लॉ में, गैर हिंदी भाषी लोगों को ये मुश्किल होती ही है। तुम ऐसा करना, नवेंदु जी का नोट्स ले लेना, मैंने समझाते हुए कहा। हाँ सर, तेलुगु लोगों को हिंदी में मुश्किल तो होती है, रविशंकर ने कहा। अरे हाँ, तेलुगु से याद आया, मेरी एक तेलुगु फ्रेंड है यार, बहुत परेशान की हुई है। उसको एक मैसेज करना है कि प्लीज डोंट आस्क फॉर सीक्रेट ऑफिशियल पर्सनल क्वेश्चन एंड डॉक्यूमेंट। इसको तेलुगु में कैसे लिखेंगे गुरु, मैंने पूछा। दयाचि समतवेना रहस्यमेना प्रश्नायलु कैतुलु अदगावड़ु, रवि ने एक सांस में कह डाला। बाप रे, खैर ठीक है तुम लिख दो, मैं टाइप करके मैसेज कर दूंगा, मैंने कहा। अब आप समझे हमें कितनी दिक्कत होती है हिंदी समझने में, रविशंकर ने हंसते हुए कागज पर लिखा और बाहर निकल गया। उसके जाते ही जयवर्धन भीतर घुसा और घुसते ही बोला, तुम्हारा काम कर दिए हैं बाबा, इतना तो एग्जाम में नहीं लिखे थे जितना वो अंडर बघार के आए हैं। सुन तो रहा ही होगा कमलेश, एकदम आगे ही बैठा था, अब देखो कुछ बात बने तब तो, चलो अब मैगी वैगी खिलाओ। हैदराबाद गेट वाला ताऊ क्या मस्त मैगी बनाता है, जयवर्धन दादा की बाइक की चाबी लेते हुए बोला। तुम जाओ, आज ही एक सीढ़ी लाए हैं, शाम तक लौटाना भी है, मैंने कहा। मर जाओ साले, चाइना में काहे नहीं पैदा हुए, वहाँ ब्रूसली चुसली सब मिलता है, बायोस्कोप के चक्कर में पड़े हो ना, कोई स्कोप नहीं बचेगा लाइफ में। बड़ी भैंस बबुआ के पाले ले दौड़ावे ताले ताले, जयवर्धन ने बाइक स्टार्ट की और यही चिल्लाते हुए बाहर निकल गया। दादा अभी भी सोया हुआ था, बाइक की आवाज़ सुनी तो अचानक उठ गया, चादर फेंक कर जल्दी से बाहर गया और फिर भीतर आ गया। मेरा बाइक कहाँ गया, दादा ने पूछा। आए, ईयरफोन की आवाज़ से मैंने सुन नहीं पाया। मेरा बाइक कौन ले गया, दादा ने अब की बार जोर से पूछा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो, मैंने कहा। भौसड़ी के कान में तार पेले हो, निकालोगे तब ना सुनाएगा, दादा ने ईयरफोन खींचते हुए कहा। मेरा बाइक कौन ले गया, जयवर्धन, मैंने लैपटॉप रोकते हुए कहा। ओह तब ठीक है, हम सपना देख रहे थे कि मेरा बाइक कोई चोरी कर रहा है और हम मैगी खा रहे हैं, दादा ने आंख धोते हुए कहा। तुम सपना भी देखता है तो बाइक का, साला सपना में तो डेमी मूर देखो, कैट विंसलेट देखो, मेग रयान देखो, बाइक का इतना चिंता मत करो, और हम क्या हॉस्टल से तेरा बाइक चोरी होने देंगे, मैंने लैपटॉप फिर से चलाते हुए कहा। यही तो डर है बाबा, तुम्हारी तो बीवी भाग जाएगी और तुम फिल्म खत्म होने का इंतजार करेगा, दादा ने कुल्ला करते हुए कहा और जोर से चिल्लाया, ओए भोलेनाथ। आजकल शाम में भोलेनाथ का नारा क्रिकेट खेलने का अलार्म था। इस अलार्म के साथ ही जूनियर्स की क्रिकेट टीम जमा हो जाती थी और मैदान जम जाता था। खेल खत्म होने पर दादा जब भीतर आया, तब तक मेरी फिल्म भी खत्म हो गई थी। चाय पीने चलेगा, दादा ने जमाई लेते हुए पूछा। चलो, मैंने टी शर्ट डालते हुए जवाब दिया। जूनियर सब भी पागल है, एग्जाम इतना नजदीक है और बैट बॉल लेके आ जाता है, अब कोई दरवाजे पर आ गया है तो मना भी तो नहीं किया जाता, दादा ने खुद से सफाई दी। हाँ भाई, भोलेनाथ भोलेनाथ चिल्ला के तो गणेश जी अपने पापा को खोज रहे थे, मैंने पलटवार किया। तो उससे क्या हुआ, अब भगवान का नाम लेना भी पाप है क्या, दादा ने दुकान पहुंचते ही समोसा उठा लिया। नहीं गुरु, लो खूब नाम लो, कभी तो भोलेनाथ अर्जी सुनेंगे, मैंने चाय पीते हुए कहा। अरे अर्जी से याद आया, तेरा एक रजिस्टर्ड पोस्ट आया है,
दादा ने दूसरा समोसा उठा लिया। राखी होगा, मैंने चाय खत्म की। हाँ ससुर, एसएससी ऑफिस में दीदी बैठी है ना तुम्हारी, इंटरव्यू लेटर है, दादा ने जेब से लेटर निकालते हुए कहा। मजाक मत करो, मैंने लेटर झपटते हुए कहा। भौजाई लगते हो हमारे जो मजाक करे। सेक्शन ऑफिसर का इंटरव्यू लेटर है, दादा ने पैसा निकाला। रहने दे भाई, आज पैसा हम देंगे। मन खुश हो गया, मैंने हाथ पकड़ते हुए कहा। जिस दिन ऑफिसर हो जाना बाबा, उस दिन खाएंगे बिरयानी और पियेंगे वोदका। चाय पे मत टकराओ, दादा ने पैसा देते हुए कहा। अरे यार, इंटरव्यू तो 14 तारीख को ही है, मैंने चौंकते हुए कहा, और आज हो गया 10। पोस्टल डिपार्टमेंट का भी जवाब नहीं है, 10 दिन देरी से दिया है लेटर, दादा ने इन्वॉल्व देखते हुए कहा। मैं दादा से इन्वॉल्व लेकर देख ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। सूरज, सूरज। पीछे देखा तो मुरली सर थे। हम दोनों उनके पास पहुंचे, थोड़ा झुककर अभिवादन किया और हाथ पीछे करके खड़े हो गए। और पढ़ाई कैसे चलने हैं, मुरली सर ने अपनी वाली हिंदी में पूछा। जी अच्छी सर, हम दोनों ने एक साथ कहा। अनुराग, क्रिकेट कम करने होंगे, एग्जाम नज़दीक होने हैं, जाइए चल के पढ़ाई कीजिए, मुरली सर ने अनुराग को चलता किया। जी सर, कह के दादा हॉस्टल की ओर चल दिया। अब मुरली सर मुझसे मुखातिब हुए। सूरज, आप क्लास में आगे क्यों नहीं बैठने हैं? आगे की बेंच पहले ही भर जाती है सर, मैंने बहाना किया। मतलब आप क्लास में लेट से आने हैं, मुरली सर ने सवाल दाग दिया। अब कुछ बोलने के बजाय चुपचाप खड़े रहना बेहतर था। देखिए सूरज, ये साल आपके लिए बहुत ज़रूरी होने हैं, मन से पढ़ाई कीजिए, यह आखिरी बस है, अगर निकल जाने हैं तो फिर मुश्किल से होने हैं, मुरली सर समझा रहे थे। थोड़ा वक्त पढ़ाई को दीजिए, मैंने आपका प्रोजेक्ट वर्क पढ़ा था, आप अच्छे स्टूडेंट होने हैं, मुरली सर कहे जा रहे थे। और मैं यह सोच रहा था कि मुरली सर क्या सभी स्टूडेंट से ऐसे बात करते हैं। मेरा ध्यान तब टूटा जब मुरली सर ने बात बदली। रोशन बता रहे थे कि आपकी हिंदी अच्छी है। सर बस ठीक ठाक है, मैंने कहा। नहीं नहीं, आप मॉडेस्ट होने हैं, आपको तो हिंदी के लिए राजपाल से अवार्ड भी मिला है, मुरली सर ने कहा। जी सर, मेरे पास कहने को और कुछ नहीं था। अब मेरी समझ में आ रहा था कि जयवर्धन किस बवंडर की बात कर रहा था। देखिए ना, 15 अगस्त आने वाले हैं, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होने हैं, क्या आप मेरे लिए हिंदी में 15 अगस्त पर कुछ लिख देंगे, मुरली सर ने कहा। माय प्लेजर सर, मैं इसके अलावा कुछ कह नहीं सकता था, यह भी नहीं कि 14 तारीख को ही दिल्ली में मेरा इंटरव्यू भी है। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसी में सेव करके मुझे 14 तारीख तक दे देने होंगे, ताकि मैं थोड़ा देख लूँ, मुरली सर ने कहा। मुरली सर के हाथ में पेन ड्राइव देखकर मैं आश्चर्य में था। मुरली सर शायद मेरी शंका भांप गए थे और उन्होंने कहा, ये पेन ड्राइव पेंसिल ड्राइव तो मेरी समझ में नहीं आने हैं, रोशन ने ही दिया है और कहा है कि इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देखिएगा गुम ना हो। मुरली सर हम पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाए थे। डोंट वरी सर, मैं संभाल कर रखूँगा, मैंने मुरली सर का शंका का निवारण किया। धन्यवाद सूरज, जाइए और पढ़ाई कीजिए, एग्जाम नज़दीक है, और कृपा कर गार्डन को ग्राउंड मत बनाइए, मुरली सर ने हंसते हुए कहा। मुरली सर के पास से मैं सीधा हॉस्टल आया। रूम में दादा और जयवर्धन पहले से मौजूद थे और शतरंज खेल रहे थे। क्या बोले बे मुरली सर, जयवर्धन ने पूछा। पढ़ने के लिए बोल रहे थे, मैंने टी शर्ट उतारते हुए कहा। लो तो नया क्या बोले, वो तो टॉमी को भी यही बोलते हैं। जयवर्धन का इशारा हॉस्टल के कुत्ते की तरफ था और बोले कि मेरे लिए एक स्पीच हिंदी में लिख दो। मैंने सर्टिफिकेट ठीक करते हुए कहा, यार राजा पन क्या ना काम, तुम्हारा गोटी तो एकदम फिट बैठ रहा है बाबा। जयवर्धन ने मुझे लगभग गोद में उठा लिया। कैसा काम बाबा, तो जा रहा है दिल्ली इंटरव्यू देने, दादा ने शतरंज समेटते हुए कहा। क्या, जयवर्धन ने मुझे लगभग गोद से फेंकते हुए कहा। मतलब कि
आगे लगी बारात तो समधी का पेट खराब। सुनो बाबा, तुम घंटा ना को इंटरव्यू दोगे, साला यहाँ पहली बार सब ठीक हो रहा है और तुम चला दिल्ली, क्या करेगा इंटरव्यू देके? पहले भी तो इतना इंटरव्यू दिया, क्या हुआ? माउथ साउथ में करके लौट के चला आता है। सुनो दादा, ये कोई इंटरव्यू देने नहीं जाता है, इसकी कोई सनीचर है दिल्ली में, वही इसको बार बार लेटर भेजती है और ये बार बार दिल्ली भागता है। नहीं तो तुम ही बताओ कि क्या कोई तकिया लेके इंटरव्यू देने जाता है क्या? देख लेना, कपड़ा नहीं रखेगा, खाना नहीं रखेगा, लेकिन तकिया जरूर रखेगा। तकिया का ही ले जाते हो बे, जयवर्धन ने आंख तरेरते हुए कहा। तकिया बिना नींद नहीं आता है, इसीलिए तकिया लेके जाते हैं। इंटरव्यू देना जरूरी है क्योंकि पेपर अच्छा गया था। पहले इंटरव्यू में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भी नहीं होगा, मैंने बैग बंद करते हुए कहा। मतलब हाथी हाथी हल्ला और हुआ कुकुर का पिल्ला, कुछ हो नहीं पाएगा, बाबा तो अफसर बन गया। चलो दादा, हम लोग फिर से रिवाइज किया जाए। जयवर्धन हताश था। कौन कहा कि कुछ नहीं हो पाएगा, सब होगा और ठीक होगा, बस तुम लोग रिवाइज करते रहो, जयवर्धन के कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा। हाँ बाबा, आप तो ब्रह्मा हैं। जयवर्धन की मुस्कान फीकी थी पर धीरे से कमरे से निकल गया। कौन सी गाड़ी से जाना है? बुझे मन से ही दादा ने पूछा। शिवगंगा, मैंने कहा। टिकट? दादा ने पूछा। नहीं, पर उसमें सीट मिल जाती है। ट्रेन कब है? दादा ने फिर पूछा। कल शाम में, मैंने कहा। चलो तो बात सो जाते हैं, कल सवेरे उठकर बात करेंगे, दादा ने सिर पर चादर डालते हुए कहा। तुम सो जाओ, हमको थोड़ा काम है, मैंने कहा। मराओ साले, तुम और तुम्हारा फिल्म, कहते हुए दादा ने चादर तान ली। लेकिन मुझे आज फिल्म देखने के लिए नहीं बल्कि हिंदी स्पीच लिखने के लिए जागना था। कपड़े ठीक करने थे और बाकी जरूरी चीजें भी बैग में रखनी थी। हिंदी में स्पीच लिखते लिखते नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। सुबह का पता दादा के ही भोलेनाथ की गरज से लगा। कितना टाइम हुआ बे? मैंने पूछा। 11 बज गया, दादा ने कहा। अरे यार, झट से उठते हुए मैंने कहा, अभी तो सर्टिफिकेट भी ठीक नहीं किए हैं। तो रात में क्या मुजरा देख रहा था? हम मेस में जा रहे हैं खाना खाने, दादा ने कहा। मेरा खाना रूम में भिजवा देना, मैंने बैग ठीक करते हुए कहा। खाना खाते और बैग ठीक करते करते निकलने का टाइम हो गया था। इसी बीच मैंने शिखा को फ़ोन किया। उसने हमेशा की तरह सफ़र में चौकस रहने की ताकीद की, सर्टिफिकेट संभाल कर रखने को कहा और बेस्ट ऑफ लक भी कहा। बस वो नहीं कहा जो मैं सुनना चाहता था। आई लव यू। खैर, मैं लगभग तैयार होकर निकलने ही वाला था कि दादा क्रिकेट खेल कर आया। गाड़ी कितने बजे है? दादा ने पूछा। 7 बजे शाम में, मैंने बैग कंधे पर लेते हुए कहा। चल मैं छोड़ देता हूँ, दादा ने चाबी उठाते हुए कहा। कैंट पहुंचकर दादा ने गाड़ी पार्किंग में लगाई, एक प्लेटफॉर्म टिकट लेकर वह भी मेरे साथ ट्रेन तक आया। ट्रेन समय पर ही थी, ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि दादा ने कहा, जयवर्धन की बात का बुरा मत मानना, फरफंदी है साला, और बढ़िया से इंटरव्यू देना। इंटरव्यूअर की आंख से आंख में आंख डाल के बोलना। तुम साले आंख बहुत चुराते हो, सीआरपीसी का चिंता मत करना, इंटरव्यू देके आओ, फिर साले 2-3 दिन में तैयारी तो कर ही लेंगे। मोबाइल स्विच ऑन रखना, दादा से गले लगते हुए मैंने कहा और ट्रेन में बैठ गया। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होंगी। अब इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी हैं। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए तक कहानी बाज़।